अपने सारे गहने मेरे हवाले कर दो। पर वो तो मेरी माँ के चोरी के गहने हैं। घर में सिर्फ एक ही डाकू है। मैं। माँ? लखन बेटा, मैं तो बहू को बस उसके गहने संभालने को बोल रही थी, पर इसने तो मेरी इज्जत ही उछाल दी। पर मैंने तो कुछ माँ से माफी मांगो चंपा। माँ जी झूठ बोल रही है। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। लखन बेटा, दवा खाने के लिए मुझे पानी दे दे। किस चीज की दवा माँ? खांसी रोकने के लिए बहू ने मुझे ये दवा दी है। हाँ? ये तो चूहे मारने की दवाई है। क्या? बहू को कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम। चंपा, ये तुमने माँ को क्या दिया है? माँ जी झूठ बोल रही है। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। लखन बेटा, आज घर में एक अनजान आदमी आया था जिसे बहू ने अपना फोन तक दे दिया। मैं तो आपके जन्मदिन के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी माँ जी। क्या? इसलिए मैंने अपने फोन और गहने दोनों बेच दिए। बहू, मैं तो तुझे जीरा समझती थी, तू तो हीरा निकली। ला बेटी, अब कुछ खाने को दे दे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये लीजिए माँ जी, आपका नाश्ता।